चलिए आज कुछ मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द अनलेबल नैरेटर एंड यू आर वाचिंग टॉप 5 मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स। आई सस्पेक्ट फाउल प्ले। एक बहुत ही रिच क्राइम नोवेल ऑथर हार्लन का 85th बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के बाद मर्डर हो जाता है। फिर जब एक वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव ब्लैंक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं, उसको पता चलता है कि हार्लन का हर एक फैमिली मेंबर्स और स्टाफ के पास कुछ ना कुछ मोटिव है हार्लन के मर्डर का। वो सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। झूठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है मर्डर मिस्ट्री का, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को दिखाया गया है इन ए मॉडर्न वे, इट्स क्वाइट ब्रिलियंट। Funny, Ransom, you skipped the funeral, but you're early for the will reading. Up your ass. इस फिल्म का नाम ही मर्डर मिस्ट्री है, और जहां एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन है तो कॉमेडी तो बनता ही है। तो निक न्यूयॉर्क का एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी वाइफ ऑड्री दोनों वेकेशन के लिए यूरोप जाते हैं। प्लेन में एक बिलियनर चार्ल्स से मिलते हैं। वो उन्हें अपने प्राइवेट याच पर एक फैमिली गेट टूगेदर पर इन्वाइट करता है, और जब उस पार्टी में एक मर्डर हो जाता है, इमीडिएट प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं निक और ऑड्री। डोंट पुट इट बैक। स्टेफनी एक सिंगल मदर है जो कि ब्लॉगिंग करती है। वो अपने बेटे के स्कूल में एक और माँ से मिलती है जिसका नाम है एमिली, और वो दोनों इंस्टेंटली दोस्त बन जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद एमिली गायब हो जाती है। स्टेफनी और एमिली का हस्बैंड सॉन उसके डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। फिर एक मर्डर होता है, किसका होता है ये मैं नहीं कहूँगा। फिर इस फिल्म में ट्विस्ट्स आते हैं, बिट्रेयल्स होती हैं, सीक्रेट्स, कन्फेशंस, लाइस। इट्स अ ब्लैक कॉमेडी, देखेंगे तो मजा आ जाएगा। I guess I'm probably not the kind of person you're normally friends with. Oh, you do not want to be friends with me. Trust me. जेफ जो कि एक फोटोग्राफर है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपने अपार्टमेंट में व्हीलचेयर में बैठकर दिन बिताता है। वो अपने विंडो के थ्रू अपने नेबर के घर में क्या क्या होता है वो देखता रहता है। एक औरत गायब हो जाती है, उसको लगता है कि उसके हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया है, क्योंकि वो व्हीलचेयर बाउंड है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं। वो ये बात अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी मेड और अपनी दोस्त को बताता है, लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करते हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे हेल्प करने के लिए एग्री होती है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना। मास्टर ऑफ सस्पेंस अल्फ्रेड हिचकॉक की ये वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स है। आई रिकमेंड इट, यू शुड वॉच इट। Knives and saws and ropes, and now since last evening, not a sign of the wife. All right, now you tell me where she is. I don't know. What's she doing? इस फिल्म में डैनियल क्रेग एक फेल जर्नलिस्ट है। वो एक रईस फैमिली का बायोग्राफी लिखने के लिए एग्री होते हैं। उस फैमिली का हिस्ट्री रिसर्च करते करते उन्हें ये पता चलता है कि उस फैमिली का पेट्रियार्क हेनरिक वेंजर की भांजी हैरियट 40 साल पहले कहीं गायब हो गई। डैनियल को लगता है कि उसका मर्डर हुआ था। वो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक कंप्यूटर हैकर लिस्बेथ से मदद लेता है, जो कि इस फिल्म का टिचुलर कैरेक्टर है, द गर्ल विद ड्रैगन टैटू। वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करते करते उस फैमिली के बहुत सारे डीप डार्क सीक्रेट्स रिवील होने लगते हैं वन बाई वन। क्या वो दोनों ये 40 साल पुराना मिस्ट्री सॉल्व कर पाएंगे? यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये रेटेड आर फिल्म है और बहुत सारे सीन्स इंटेंस और वायलेंट है, इसलिए सोच समझ कर देखिएगा। This is Harriet. Someone in the family murdered Harriet.